अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करता हूं आपको सोलर स्ट्रक्टूरा के सोलर स्ट्रक्चर हाइट कैलकुलेटर वर्जन 1.0 के ट्यूटोरियल में। इस टूल के ज़रिए आप घंटों की कैलकुलेशन से बच सकते हैं। सिर्फ इनपुट एंटर करें और रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये टूल सोलर EPC कंपनीज़, सोलर इंस्टॉलर्स, डिज़ाइनर्स और स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर्स के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अक्सर सोलर एलिवेटेड स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते वक्त या तो हमें मैनुअल कैलकुलेशन और ड्राइंग बनानी पड़ती हैं या कोई कैड बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे हमारा काफ़ी वक्त लग जाता है। सोचें, अगर आपने एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है जिसमें 4 पैनल पोर्ट्रेट में और 12 डिग्री का एंगल चाहिए, तो बैक हाइट कितनी होगी? ज़्यादातर तजुर्बाकार लोग एक अच्छा अंदाज़ा बता सकते हैं, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, यानी कि कोई कह देता है कि 3 पैनल्स हो जाएं, 5 पैनल्स हो जाएं, 6 पैनल्स हो जाएं, या एंगल 18 डिग्री हो जाए, 20 डिग्री हो जाए, या कोई भी एंगल हो सकता है, तो फौरन हाइट्स का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। इस टूल को यूज़ करते हुए आपको स्ट्रक्चर की बैक हाइट, पोल्स हाइट एस्टिमेशन और पोल्स का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगा। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम इनपुट्स एंटर करेंगे और कैसे आउटपुट रिजल्ट्स कैलकुलेट होकर आएंगे। क्योंकि ये सोलर एलिवेटेड स्ट्रक्चर का टूल है, तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा सोलर एलिवेटेड स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ये एक सोलर एलिवेटेड या रेस्ड सोलर स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे ऊपर सोलर पैनल्स होते हैं, उससे नीचे पर्लिंस जिन पर पैनल्स माउंट होते हैं, उसके नीचे आ जाता है राफ्टर जो पोल्स को कनेक्ट करता है, और सबसे नीचे वर्टिकल कॉलम्स आते हैं। अब हम टूल को यूज़ करेंगे और एक 24 पैनल्स का एलिवेटेड स्ट्रक्चर की हाइट कैलकुलेट करेंगे। इस स्ट्रक्चर में ईस्ट टू वेस्ट 6 पैनल्स हैं और नॉर्थ टू साउथ 4 पैनल्स हैं। हम ये नॉर्थ टू साउथ वाली स्लोप कैलकुलेट करेंगे। चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे सोलर स्ट्रक्टूरा डॉट कॉम, और फिर हमारी सर्विस वेबसाइट सामने आ जाएगी। इसमें एक टैब होगा सोलर हाइट कैलकुलेटर के नाम से, हम उसको क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर एक लॉगिन विंडो आ जाएगी। मंथली सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको एक लॉगिन ईमेल और पासवर्ड मिल जाएगा। मैं अपना लॉगिन ईमेल और पासवर्ड एंटर करता हूँ। लॉगिन ईमेल और पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं इसे लॉगिन कर लूँगा, और यहाँ पर एक और विंडो आ जाएगी। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आकर हम नए प्रोजेक्ट के लिए ऐड प्रोजेक्ट करेंगे। इस विंडो में आप देख सकते हैं, ये हमारा इनपुट एरिया है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे और ये हमारा आउटपुट एरिया है। हमने इस तरह का 4x6 सोलर पैनल्स का पोर्ट्रेट में एलिवेटेड स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना है। तो हम इनपुट एंटर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एंटर करेंगे टिल्ट एंगल। जो हमारे स्ट्रक्चर की स्लोप है नॉर्थ टू साउथ, उसका टिल्ट एंगल क्या रखना है? मैं यहाँ रखता हूँ 18 डिग्रीज़। दूसरी इनपुट है हमारी पैनल की क्वांटिटी। ये स्लोप पे आने वाले पैनल्स हैं, मैं यहाँ पर क्वांटिटी दे रहा हूँ 4। ये वो पैनल की तादाद है जो हमारे स्ट्रक्चर की स्लोप पे आ रही है नॉर्थ टू साउथ। फिर आ जाता है हमारा पैनल साइज़। आप डाटा शीट देखें, हम ये स्ट्रक्चर पोर्ट्रेट में लगा रहे हैं। इस पे जो पैनल प्लेस होंगे वो पोर्ट्रेट में होंगे, तो मैं इसमें पैनल की लेंथ यूज़ करूँगा। अगर ये स्ट्रक्चर लैंडस्केप में होता तो हम इसमें सोलर पैनल की विड्थ यूज़ करते। तो यहाँ पे दी हुई है 2278 mm, तो मैं एंटर कर दूंगा। आगे आ गया पैनल टू पैनल गैप। ये सिंपल सोलर पैनल टू पैनल गैप होता है, तो ये मैं दे दूंगा। कोई 1 इंच देता है, कोई 2 इंच, हर बंदा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एंटर करता है। मैं यहाँ पर 1.5 इंचेस दे दूंगा। यहाँ से इसका यूनिट भी चेंज करना है। उसके बाद आ जाती है स्ट्रक्चर की फ्रंट हाइट। स्ट्रक्चर की फ्रंट हाइट वो हाइट है जो सोलर पैनल के बॉटम एज से ग्राउंड ये ज़मीन तक होती है। मैं यहाँ 4
फोरफिट दे दूंगा। फिर आ जाते हैं नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स, ये इस इनपुट फील्ड में हम एक अंदाजे के मुताबिक नंबर ऑफ पोल्स एंटर कर देंगे, मैं 3 कर देता हूँ। फिर आता है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर, कैंटिलीवर ये वो इनपुट पैरामीटर है जिससे हमें ये पता चलता है कि कितना सोलर पैनल पोल से बाहर आएगा दोनों तरफ। तो इधर मैं 2 फीट एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आ जाती है हमारी साइट लोकेशन। मैं यहाँ पे सिंपल अंदाजे और रेफरेंस के लिए लाहौर एंटर कर देता हूँ, और इसी तरह कस्टमर नेम वलीद एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आ जाती है हमारी इनपुट फील्ड वॉकवे। वॉकवे मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करूँगा, अभी मैं इसको स्विच ऑफ या डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारा पोल का डायामीटर। ये पोल या जो भी वर्टिकल कॉलम हम यूज़ कर रहे हैं उसकी विड्थ या उसका डायामीटर होता है। अगर कोई रेक्टेंगुलर असेंबली है तो उसकी विड्थ हो जाएगी, और अगर कोई राउंड पाइप है तो उसका डायामीटर। यहाँ पर मैं इसे फ़िलहाल हम 5x2.5 यानी 5x2.5 का गार्डर यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसे 5 इंच एंटर कर देता हूँ। यहाँ से यूनिट चेंज कर लूँगा। उसके बाद आ जाती है पर्लिन हाइट। पर्लिन हाइट जिस पर पर्लिन वो चीज़ है जिस पर पैनल माउंट होते हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं 3x1.5 यानी 3x1.5 का सी चैनल। तो मैं इधर 3 इंच एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आ जाती है हमारी राफ्टर की हाइट। यहाँ पे राफ्टर भी हम 5x2.5 यानी 5x2.5 का गार्डर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 5 इंच एंटर कर देता हूँ। हम एक दफ़ा अपने सारे यूनिट्स देख लेंगे कि वो ठीक हैं, और उसके बाद फिर हम कैलकुलेट का बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी सारी आउटपुट्स आ जाएंगी हमारे सामने। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी सारी आउटपुट्स आ गई हैं। ये स्ट्रक्चर की फ्रंट हाइट है, ये वही हाइट है जो हमने एंटर की थी, यानी कि पैनल के बॉटम से ग्राउंड लेवल तक। और ये स्ट्रक्चर की बैक हाइट है जो सारी वैल्यूज को एंटर करके कैलकुलेट होकर आई है। ये आ रही है 13.35 फीट्स, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसी तरह जितने हमने नंबर ऑफ पोल्स एंटर किए थे वो भी कैलकुलेट होकर आ गए हैं। ठीक है, हमने 3 ऐड किए थे तो यहाँ पर 3 पोल्स, पोल 1, पोल 2, पोल 3। उसके बाद हमारा पोल टू पोल डिस्टेंस भी आ गया, यानी कि जो हमने पोल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा पोल टू पोल डिस्टेंस है। हमने इस मेन आउटपुट टेबल पर फोकस करना है। ये एक ड्राइंग है जो हमें पैनल्स का आइडिया दे देगी और नंबर ऑफ पोल्स का। इसी तरह यहाँ एक लेबल डिस्क्रिप्शन टेबल बना हुआ है, इसमें जो यहाँ पे एब्रीवेशंस यूज़ हुई हैं उनके फुल फॉर्म है, यानी कि SFH है स्ट्रक्चर फ्रंट हाइट, SBH है स्ट्रक्चर बैक हाइट, और PH पोल हाइट 1, 2, 3, और वॉकवे बाद में डिस्कस करेंगे, PDIST यानी कि पोल टू पोल डिस्टेंस जो सेंटर टू सेंटर पोल का डिस्टेंस है। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम इस प्रोजेक्ट को एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने कोई नया प्रोजेक्ट करना है तो हम ऐड प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, और इस तरह से हमारा एक नया प्रोजेक्ट आ जाएगा। अच्छा, इस टूल के अंदर एक और बहुत अच्छा फीचर वो ये है कि जैसा कि हमारी रिक्वायरमेंट अचानक से चेंज हो जाती है, यानी कि मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मैंने 4 पैनल्स नहीं करने थे, मैंने 5 पैनल्स करने थे, तो मैं यहाँ से 5 पैनल्स कर दूंगा या 6 पैनल या जो मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसको जब कैलकुलेट करूँगा तो उसी न्यू इनपुट पैरामीटर के तहत ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम कहते हैं कि जी हमने नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाने हैं, तो हम नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे फौरन
नंबर ऑफ पोल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ गए हैं और इनकी वैल्यू कैलकुलेट होकर भी आ गई हैं। इसी तरह से किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई कह देता है कि नहीं मैंने तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को, यहाँ हम 4590 का पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने तो स्ट्रक्चर को पोर्ट्रेट में नहीं लैंडस्केप में लगाना है, तो हम यहाँ पे 1134 mm या इंचज़ में देखें तो हम इसको 44.6 इंचज़ में हम इसको डाल देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो लैंडस्केप के मुताबिक इसकी सारी वैल्यूज चेंज कर देगा। अब पैनल की विड्थ यूज़ हो रही है यहाँ पे। इसी तरह वो कहते हैं कि यार ये एंगल बहुत ज़्यादा है, एंगल कम करना है तो हम इसको 12 डिग्री कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 डिग्री के अकॉर्डिंग हमारी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। ये एक अंदाजे के मुताबिक बनाया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर विंड लोड स्ट्रेंथ से कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पे हम 2 कर देते हैं तो ये सारी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं और हमारे पास इंस्टेंट रिज़ल्ट आ रहे हैं। यही इस टूल का अच्छा फीचर है कि इसमें हम फौरन हम सारी अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन हम पैनल क्वांटिटी चेंज करते हैं, यहाँ पे हम पैनल टू पैनल गैप 2 inches कर देते हैं मिसाल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएंगे। स्ट्रक्चर की फ्रंट हाइट चेंज कर देते हैं, 6 feet कर देते हैं तो उसके मुताबिक अब हमारी फ्रंट हाइट, बैक हाइट, हर चीज़ जो भी डिपेंड करती है कैलकुलेशन पे वो सारी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ हमने देखनी है इसमें कि ये जो आउटपुट के यूनिट्स आए हुए हैं फीट में सारे, ये यूनिट डिपेंड कर रहा है हमारी स्ट्रक्चर फ्रंट हाइट के यूनिट पे। अगर हम यहाँ पे फीट सेलेक्ट करते हैं तो रिज़ल्ट सारा फीट में आएगा ये वाला, और अगर हम यहाँ पे इंचेस करते हैं जैसा कि अब हम चाहते हैं हमारा रिज़ल्ट सारा इंचेस में आए, हम कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहे सिर्फ यूनिट चेंज कर रहे हैं, तो हम 4 feet को 48 inches कर देंगे, यानी कि 4 feet में 48 inches होते हैं तो उसके मुताबिक फिर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सारा यहाँ यूनिट चेंज हो जाएगा और उसके मुताबिक जो है हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं चेंज हुई, बस यूनिट की वजह से वैल्यू चेंज हो गई है, यानी कि जो 4 feet थी वो 48 inches, 4 foot वाली 48 inch हो गई, और इसी तरह जो जो वैल्यू जिसके मुताबिक थी वो फीट से इंचज़ में आ गई। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट भी होती है कि हम चेंज करना चाहते हैं इसको हमारे पास के, जैसे कि वो कहते हैं कि यार हमें एमएम में रिज़ल्ट चाहिए, मीटर में चाहिए, तो इसी तरह से हम यहाँ पे अपना यूनिट चेंज करके अपने आउटपुट रिज़ल्ट्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि हमारा यहाँ पे जो भी आंसर आ रहे हैं फीट में अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये डेसिमल फीट में आ रहे हैं, तो इस डेसिमल फीट से फीट इंचज़ में किस तरह से कन्वर्ट करना है, आर्किटेक्चरल यूनिट्स या फीट इंचेस जो होते हैं हमने उसमें किस तरह से आंसर को लाना है, तो जो भी पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आएगी हम उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ये है 15.7 feet, तो हम 0.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो ये आ जाएगा आंसर 8.4। तो अब जो हमारा स्ट्रक्चर बैक हाइट बनेगी वो होगी 15 feet and 8.4 inches, ठीक है। इसी तरह से हमने जिस जिस वैल्यू डेसिमल फीट के हमें फीट और इंचेस में एग्जैक्ट चाहिए तो वो हम इस तरह से कैलकुलेट करके जो भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको हमने 12 से ज़रब देना है, यानी 12 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको इस वीडियो से मुतल्लिक कोई भी सवाल है या कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा हर सवाल का जवाब दे दूं। इस टूल की सब्सक्रिप्शन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रابطہ करें। अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मैं और भी वीडियोस अपलोड करूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।